Good evening, students. Good evening, sir. Derivative as a rate measure. हम लोग पिछले क्लास जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हम लोग न्यूटन के थॉट को न्यूटन के आइडिया को एक्सप्लोर किए थे उसको ऑब्जर्व किए थे और हम लोग समझे थे कि एट एन इंस्टेंट हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं तो दो दो वेरिएबल क्वांटिटी एक वेरिएबल क्वांटिटी किसी और के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग उसको उसका रेट निकालते हैं वही सी बात है कि रेट जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में निकलता है एकदम तो डेल वाई बाई डेल टी मेरा डायमेंट है लिमिट सर ढूंढने या फिर डेल टी टेंड्स टू जीरो को हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी दिस इज द इंस्टेंटेनियस रेट अब आपसे किसी भी वक्त में या किसी भी जगह पे या किसी के रिस्पेक्ट में आपसे पूछ सकता है कि उस इंस्टेंट पे क्या हुआ एट दैट मोमेंट एट दैट पॉइंट तो फॉर एन एग्जाम्पल For an example, let us consider कि एक सर्कल है और सर्कल ठीक है whose radius is increasing at a rate of 2 centimeter per second. क्या एक सर्कल है जिसका रेडियस के इंक्रीज होने का रेट है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपसे पूछा है फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया ऑफ दैट सर्कल व्हेन रेडियस इज 20 सेंटीमीटर तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को आप तो ऑब्जर्व करें कि आपको दिया क्या है और आपसे पूछ क्या रहा है ठीक है तो ये पहले क्या है अ सर्कल उस रेडियस इज इंक्रीजिंग एज अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब रेडियस के इंक्रीज करने का रेट क्या है तो किसी भी सर्कल के रेडियस को हम लोग स्मॉल आर या कैपिटल आर से डिनोट करते हैं इसका मतलब इसका सोल्यूशन जो है बहुत सिंपल है आपको क्या गिवन है एक्चुअली 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड डी आपको गिवन है डी आर बाई डी टी क्या गिवन है डी आर बाई डी टी ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपको गिवन है रेडियस के चेंज होने का रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम और आपसे पूछ क्या रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया ऑफ दैट सर्कल का रेडियस इज 20 सेंटीमीटर तो आपसे एरिया का अब रेट पूछ रहा है इसका मतलब कि लेट ए बी द एरिया ऑफ सर्कल तो इसका मतलब हम लोग से जो रिक्वायर्ड है कि डी ए बाई डी टी जो है ये पूछ रहा है कि डी ए बाई डी टी क्या हो तो वी नो दैट ठीक है कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो क्या होता है वायर स्क्वायर तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग को डी आर बाई डी टी गिवन है तो हम लोग क्या करते हैं बोथ साइड क्या करते हैं डिफरेंशिएटिंग करते हैं बोथ साइड क्योंकि एरिया फंक्शन है रेडियस का तो इसका मतलब आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल बात हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि हियर यू कैन सी दैट एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस तो अगर आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं तो आप क्या लिखिएगा कि डी ए बाई डी टी डी ए बाई डी टी और जो आप एरिया फाइव तो कॉन्स्टेंट है आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू आर चूंकि एरिया इज अ फंक्शन ऑफ आर एंड आर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम बिकॉज आर इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इसका मतलब एक और बात यहां पर हमको समझ में आया कि भाई एरिया भी फंक्शन है आर का और आर जो है वो फंक्शन किसका है टाइम का क्योंकि वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है चेंज कर रहा है तो इसका मतलब इसलिए साथ में यहां पर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा डी आर बाई डी टी इसको चेन रूल कहते हैं क्या कहते हैं चेन रूल कहते हैं कोई दिक्कत ठीक है तो ये अगर ना भी लिखे तो चलेगा पर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि रेडियस इज चेंजिंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस चेंज कर रहा है तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू पाई इंटू टू आर इंटू डी आर बाई डी टी
क्या dr by dt आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड तो इसका मतलब आप da by dt इज इक्वल टू लिख सकते हैं पाई into 2 into r into 2 दैट इज 4 पाई r तो ये आपका रेट ऑफ इंक्रीजिंग एरिया आ गया मगर आपसे रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया पूछा था एट r इक्वल टू कितना सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तो क्या लिखेंगे 4 into पाई into 20 दैट इज इक्वल टू 80 पाई सेंटीमीटर क्या लिखा जाएगा बताइए आप सेंटीमीटर स्क्वायर ना सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया का अब रेट हो गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड पूरा नहीं देंगे पाई का वैल्यू नहीं देंगे If you can multiply by that, it's okay. 80 by we have told you the query currently. Is it clear? Quit doubt? Ah. The next example, I'm going to take there. Thoda sa isme aapse chalaki kar sakta hai board ke yahan par find the rate of increase in area ki jagah बस यहाँ पर लिख दे सर्कमफ्रेंस सर्कल का वॉल्यूम नहीं होता है सर सही ये इसके ही होते कोई बात फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल व्हेन रेडियस इज 20 सेंटीमीटर और ये बता दिया सर्कल रेडियस इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा मतलब वो जो रेट है वो कांस्टेंट है जिससे वो इंक्रीज कर रहा है तो क्या लगता है क्या पूछ रहा है आपने बता दो circumference find the rate of increase of circumference मतलब a equal to dr by dt given है given है इसका मतलब कि ये portion बस मिटेगा तो इसका मतलब c को क्या मानेंगे circumference of the area circle circumference of the circle of the circle तो पूछ क्या रहा है dc by dt और क्या हम लोगों को पता है कि circumference जो होता है 2 pi r होता है तो क्या यहाँ पे dc by dt के जगह में क्या मैंने प्रयेगा बस इतना यही बच जाएगा is that clear clear तो इसका मतलब कि आपसे अगर dc by dt at 20 सेंटीमीटर पूछ रहा है dc determinants यानी कि dc by dt कर दीजिए एडवर्टाइजमेंट At r is equal to 20 centimeter, तो r put करने का कोई जगह है वहाँ पर? नहीं है, तो 2 है, pi है, और dr by dt into 2 है, और finally क्या आ गया? 4 pi, इसका मतलब simply 4 pi centimeter per second, तो जब put करने की जगह ना हो, इसका मतलब कि हर radius पे, उसका जो circumference है, वो कितने रफ्तार से बढ़ रहा है इंक्रीज कर रहा है 4 पाई की रफ्तार से इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे भी होगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड जी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड ना बिकॉज इट्स एरिया ना अगर हम लिंकअप करें दोनों क्वेश्चन को जो जेई मेन अक्सर करता है वो पूछेगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ एरिया एंड सरफेस यस ये क्वेश्चन बनाना और क्वेश्चन बनाना बोथ थिंग्स आर डिफरेंट तो इसका मतलब कि आपसे रेशियो पूछ सकता है तो जब रेशियो पूछेगा किसका पूछ रहा है dc by dt is to da by dt कितना आएगा बोलिए 4 pi by 80 pi कितना है pi ने pi को काट दिया 4 by 2 1 by 20 ना हाँ इसका मतलब कि क्या आ गया What is student? मतलब rate of circumference by rate of area is equal to 1:20. तो circumference और area किसी circle का 1:20 के ratio, यानी कि area जो है वो 20 times rate of circumference से भी ज़्यादा. मतलब area is increasing 20 times greater than the rate of circumference. तो आप समझ सकते हैं कि क्या कमाल relation है. समझ गए सर लिखना पड़ेगा या लिख लिया अगेन सर्कमफ्रेंस इट्स न्यू क्वेश्चन आप लोगों को लिखना पड़ेगा मेरा तो मिटा के काम चल जाता है जी ताजी इसमें और आपसे क्या डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसमें आपसे बोल देगा बस इस सर्कल हटा के यहाँ पे
जो है वो फिल अप कर दे वो स्क्वायर लिख दे या स्क्वायर ऑफ रेडियस इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर अ बलून ऑफ स्फेरिकल शेप a balloon of spherical shape which is increasing at a rate of 2 cm per second square and ultimately it's given dr by dt of a sphere yeah iska matlab ki wo gradual uniform increase kar raha then find the rate of increase of anything you can ask volume you can ask curved surface area you can ask total surface area aur khoobsurti ki baat ye hai ki curved surface area of a sphere and total surface area of a sphere are same That's why, कुछ भी पूछ दे तो क्या ले लें वॉल्यूम ले लेते हैं फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर यहां पे स्फीयर आ जाएगा ठीक है व्हेन रेडियस इज 20 सेंटीमीटर रेडियस को थोड़ा घटा देते हैं खूबसूरत के लिए 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं तो सेम ही है फैक्ट से पहचान लेंगे कि भाई गिवन तो मेरा यही है दिस इज गिवन डी आर बाई डी टी उसके बाद में हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ पे वी को क्या मान लेना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर मान लेना है अब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर अब आपको पता है स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पूछा क्या है बता दो डीवी बाई डी टी पूछा है ना अच्छा तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 πr³ तो हम लोग क्या कर देंगे बोथ साइड डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट तो बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो बताइए क्या आएगा क्वेश्चन बाहर है डीवी बाय डीटी इज इक्वल टू 4/3 × 3 × π × r² dr/dt इज दैट क्लियर क्लियर कोई दिक्कत नहीं तीन ने तीन को काटा काट दिया तो इसका मतलब 4r² π dr/dt अब किस पे पूछा है वॉल्यूम कितने रेडियस पे पूछा है 10 सेंटीमीटर पे पूछा है क्या लिखेंगे बताइए 4 × 10² × π × 2 ठीक है तो 4 × 2 = 800 πcm³ पर सेकंड तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो गया ठीक इस पे आप सरफेस एरिया पूछ सकते हैं कुछ भी पूछ सकते हैं बस इस तरह के एग्जांपल्स हैं जो बोर्ड्स में जनरली पूछे जाते हैं कोई दिक्कत है दिस वन इज द इजीएस्ट पार्ट बस आपको समझ आ रहा है कि क्या गिवन है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट